आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला उलझने की बात बड़ी दिक्कत है दोस्तों। बड़ी न्यूज़ हमें भानु प्रताप सिंह जी ने भेजी है, जो आज के समाचारों में बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है। राजगढ़ देश भर के सदस्य बनाकर सोसाइटी के माध्यम से विभिन्न जगह निवेशकों का पैसा उपयोग करते हुए बदले में बैंकों से कम समय में ज़्यादा पैसा लौटाने का वादा करने वाली आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश करने वालों निवेशकों को इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। पिछले दिनों सोसाइटी के संचालन करने वाले संचालकों का मामला दर्ज होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद सोसाइटी में जमा की गई राशि सीज कर दी गई। ऐसे में पॉलिसी परिपक्वता होने के बाद उनका भुगतान हो रहा है और न ही अन्य किसी तरह का भुगतान आ पा रहा है। राजगढ़ ब्रांच की यदि बात करें तो वहाँ लगभग 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपये इन सोसाइटी के लोगों का जमा है। इसमें कहीं तो 10-15 लाख रुपए तक एक साथ जमा कर चुके हैं। जीवन भर की पूंजी जमा करने के बाद जब ज़रूरत पर उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है तो उन्होंने शिकायतें भी शुरू कर दी हैं। राजगढ़ की शेख शरीफा रेहाना भी, मोहसिन राजेंद्र, एमएम गुप्ता, फरोज सहित कई लोगों लाखों रुपए जमा कर चुके हैं, जो एफडी का निर्धारित समय पर पूरा होने के बाद उन्हें नहीं मिल रहा है। एसओजी की कार्रवाई। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के मुकेश मोदी और राहुल मोदी के इस कारोबार के खिलाफ एसओजी ने शिकंजा कसते हुए इनकी गिरफ्तारी की, जिसके बाद मुख्य ब्रांच को लेकर हर जगह से अकाउंट के निवेशक का पैसा रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि कार्रवाई आरबीआई से जुड़ी है। हर दिन खुलता है कार्यालय। राजगढ़ में संचालित होने वाला सोसाइटी का कार्यालय अभी भी हर दिन खुलता है। स्थानीय स्तर पर जिनको यह जिम्मेदारी दी गई है ये कर्मचारी भी वहाँ मौजूद रहते हैं। इसी आज से कि जल्दी ही न सिर्फ उनका भुगतान बल्कि निवेशकों का भी पैसा उन्हें मिल जाए। कई और समूह हो रहे हैं संचालित। ज़िले में कई ऐसे समूह क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिनके पास आरबीआई से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं है। शहर से लेकर गांव तक उन्हें करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करते हैं। इसके बारे में न तो पुलिस जानकारी होती है और न ही प्रशासन को। इतना ही नहीं, आयकर विभाग भी इन समूहों से दूर है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन की तुलना में इतना ब्याज 2-3% तक है, जो यह समूह में शामिल होने वाली महिलाओं से हर सप्ताह का मासिक वसूल रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जिस तरह के अफवाह फैलाई जा रही है वैसा ही नहीं, हमारे पास अभी निवेशकों का डाटा है, लेकिन कुछ समय से पैसा रुका हुआ है। एक एक करके व्यक्ति का पैसा वापस कर दिया जाएगा। इससे अधिक जानकारी लेना है तो हेड ऑफिस बात करनी होगी। विपिन शेखावत, सोनल हेड, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेरे पास कई लोगों की शिकायत लेकर आ चुके हैं, उनका पैसा खाकर कंपनी लौटा नहीं रही है। इसको लेकर मैं स्थानीय स्तर पर न्यायालयीन कार्रवाई कर रहा हूँ। यदि और पीड़ित हैं तो वे भी सामने आए। एहतसाम सिद्दीकी, एडवोकेट, राजगढ़। जहाँ दोस्तों एहतसाम सिद्दीकी ने ये सभी निवेशकों के लिए कहा है कि कोई भी अगर पीड़ित है या किसी भी तरह की कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तो उनसे संपर्क करें और वो उसकी मदद करेंगे। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल के साथ साथ हमारे ज्वाइन बटन को भी क्लिक करें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई एक लेटेस्ट वीडियो पहुँच सके सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।